हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम नया टॉपिक देखेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो राइट डाउन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या देखा था, दो वेक्टर्स का देखा था, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम एक एक्स्ट्रा वेक्टर ले रहे हैं, दैट इज थर्ड वेक्टर। ठीक है, तो इधर भी हम दो तरीके से वेक्टर, दो तरीके से प्रोडक्ट पढ़ेंगे, एक तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आज की क्लास में, और एक पढ़ेंगे कल या परसों, जो भी जैसा भी होगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद इट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और इसको लिख लो शॉर्ट में, हम इसको बोलते हैं STP, एब्रीवेटेड एज STP। तो क्या होता है, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं इसको। तो लिखो STP, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स A, B, C। ठीक है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स ABC। और जैसा कि देखो नाम से इंडिकेट हो रहा है स्केलर, इसका मतलब इन जो प्रोडक्ट आने वाला है फाइनल आउटपुट, दैट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना, वेक्टर नहीं होगा वो, जस्ट लाइक ए डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो STP ऑफ थ्री वेक्टर्स ABC इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी डिनोटेड एज, डिनोटेड एज, अब देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, A डॉट बी क्रॉस सी, डिनोटेड एज A डॉट बी क्रॉस सी। तो इसको हम फर्दर लिख लेते हैं, देखना क्या लिख रहा हूँ मैं। लेट्स से बी और सी जो है हमारा, उसके बीच में एंगल लेट्स से बीटा है। ठीक है ना, तो मैं इसको फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ, ए डॉट और बी, बी क्रॉस सी को ओपन कर रहा हूँ, तो क्या लिखूंगा मैं, मॉड बी इंटू मॉड सी इंटू साइन ऑफ बीटा, बिकॉज बी क्रॉस सी को ओपन कर रहा हूँ, एंड वी नो बी क्रॉस सी जो बी और सी के बीच में एंगल है वो मैंने बीटा माना है। लेट्स से फॉर मैं डायग्राम से इधर भी लिख देता हूँ, लेट्स से दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी, दिस इज बी, दिस इज सी। ठीक है, या फिर चलो ऐसे मान लो, इसको बी मानो, कैसे भी मान लो, बी एन सी। ठीक है ना, दिस इज इन द प्लेन ऑफ बोर्ड बी एन सी। ठीक है ना, तो मैंने इन दोनों के बीच में एंगल कितना माना, बीटा, बीटा इज द एंगल बिटवीन बी एन सी। तो क्या लिखूँ मैं इधर, मॉड बी, तो मॉड बी को मैं सिंपली बी लिख रहा हूँ, बी इंटू सी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन बी एन सी विच इज साइन बीटा। अच्छा, इतना लिखना सफिशियंट है क्या, सोचो, नहीं, क्यों, क्योंकि बी क्रॉस सी जो है वो तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, बी क्रॉस सी, तो इधर मुझे डायरेक्शन भी देना पड़ेगा, बी सी साइन साइन बीटा, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया इसका, बी क्रॉस सी का, और डायरेक्शन क्या होगा उसको मैं बोल देता हूँ, लेट्स से एन कैप, एन कैप, तो एन कैप होगा क्या, बेसिकली बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर, तो लेट्स से दिस इज द एन कैप का डायरेक्शन, दैट इज नथिंग बट बी क्रॉस सी का डायरेक्शन, गेटिंग इट। अच्छा, अब मैंने क्या किया, अब बेसिकली ये जो मेरा एन कैप है, अब मैंने क्या लिया, एक थर्ड वेक्टर लिया, इसको समझते हैं पहले पोजिशनिंग से। देखो जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल दीज टू ब्लैक मार्कर्स आर माई बी एन सी वैक्टर्स। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसको समझते हैं, लेट्स से दिस इज, ये जो मेरा थर्ड वैक्टर है सी, दिस इज लाइक दिस वे, देखना मैं क्या ले रहा हूँ, बी ओ सी तो एक प्लेन में है, और दिस वेक्टर सी इज आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो और मेरा जो एन है, जो एन कैप है वो तो बी ओ सी के परपेंडिकुलर है, रेड से दिस इज द रेड मार्कर इज द एन कैप का डायरेक्शन। देखो दिख रहा है डायग्राम क्लियरली, एक बार और, टू ब्लैक मार्कर्स जो मैंने लिए दे आर ऑन द सेम प्लेन, तो दैट इज नथिंग बट बी एन सी वैक्टर, और जो थर्ड वैक्टर लिया मैंने, अभी लिखने वाला हूँ उस डायग्राम में, ए वैक्टर, वो मैंने ऐसे ले लिया, दैट इज मेकिंग सम एंगल विद दिस प्लेन कंटेनिंग बी एन सी, एंड दिस एन जो मेरा ब्लैक बी और सी के जो परपेंडिकुलर वैक्टर है, दिस इज रेड वन, तो रेड वाला मैं मेरा क्या बता रहा है, एन कैप का डायरेक्शन। ठीक है, तो मैं इसको और मार्क कर देता हूँ इस डायग्राम में, लेट्स से दिस इज माई वैक्टर सी, एक मिनट, एक काम करते थोड़ा, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज बी, सॉरी नॉट बी ए, दिस इज सी। ठीक है ना, और ये एंगल बीटा था। अब देखना ध्यान से देखो, ये जो वेक्टर है ना ए जो मैंने मार्क किया है, दिस इज नॉट इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, जैसे कि मैंने बताया कि बी ओ सी बोर्ड के प्लेन में ए बाहर है, मतलब एक बार और डायग्राम से ऐसे देखते हैं, जैसे मैंने बोला ब्लैक मार्कर जो है मेरे बी ओ सी, दिस इज इन द प्लेन ऑफ, दिस इज इन द वन प्लेन, और दिस ब्लू मार्कर इज वॉट माई वैक्टर ए, और जो मेरा एन कैप है दैट इज परपेंडिकुलर टू बी एन सी, दैट इज दिस रेड मार्कर, जस्ट सी दिस डायग्राम, वॉट एवर आई एम, ऐसे मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, गेटिंग इट, दिस ब्लैक मार्कर, दोज टू ब्लैक मार्कर्स आर बी एन सी वैक्टर्स, दिस ब्लू मार्कर इज ए वैक्टर, एंड दिस रेड मार्कर इज एन कैप का डायरेक्शन, दैट इज बी क्रॉस सी का डायरेक्शन। चलो, अब मैंने बोला कि अब मैं
ये वाला जो क्वांटिटी है ना बी सी साइन बीटा, इसको बाहर लिख लेता हूँ बिकॉज ये तो एक स्केलर है, तो दिस कैन बी रिटर्न एज बी सी साइन बीटा, और ये हो जाएगा हमारा ए डॉट एन कैप, वेक्टर ए डॉट एन कैप। ये बी और सी मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, तो मैं लिखना है मॉड लगा के लिख सकते हो, दिस बी एन सी आर मैग्नीट्यूड बेसिकली, मॉड बी मॉड सी साइन बीटा। ओके ना, अब मैंने क्या किया, मान लिया कि जो वेक्टर ए है और जो एन कैप है इसके बीच में एंगल इज लेट्स से अल्फा, ठीक है ना। कौन सा एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, देखना ध्यान से एक बार और, दिस ब्लू मार्कर, ब्लू मार्कर और जो एन कैप का डायरेक्शन है, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड लेट मी होल्ड इट, ये ब्लैक, ये दिस इज द सिनेरियो, ठीक है ना। ये ब्लैक मार्कर तो मेरे प्लेन में है, दिस ब्लू मार्कर इज ए वेक्टर एंड दिस इज एन कैप, तो ये वाला जो एंगल है दिस एंगल ब्लैक सॉरी ब्लू एंड रेड वाले के बीच में, दैट एंगल इज नथिंग बट अल्फा। तो मैं इसको भी ओपन कर दूँ ए डॉट एन कैप को, तो पहले कहूँगा मॉड ए इंटू मॉड एन कैप, और एन कैप तो यूनिट वेक्टर है तो मॉड ऑफ एन कैप इज वन, इंटू साइन इंटू कॉस, डॉट डॉट में क्या आता है कॉस आता है, कॉस ऑफ वॉट एंगल बिटवीन ए एंड एन कैप, और ए और एन कैप के मेरे डायग्राम के हिसाब से एंगल इज वॉट अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा बी सी साइन बीटा, चलो प्रॉपर लिख लेते हैं, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ एन कैप इंटू कॉस ऑफ अल्फा, दिस कैन नाउ फर्दर रिटन एज ए बी सी, ये मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ मैं, साइन बीटा कॉस अल्फा, दिस इज वॉट वी आर डिफाइनिंग, दिस वी आर डिनोटिंग बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ थ्री वैक्टर्स ए डॉट बी क्रॉस सी, एंड आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग लाइक दिस वे ए बी सी साइन बीटा कॉस अल्फा। जस्ट रिमेंबर दिस, इधर क्या लिखोगे तुम, बीटा जो है दिस इज एंगल बिटवीन बी एंड सी, ऑफकोर्स वैक्टर की बात कर रहे हैं, एंड जो अल्फा है दैट इज एंगल बिटवीन ए एंड, अच्छा ए और, अब मैं ए बी सी के टर्म में क्या लिख सकता हूँ, एन कैप ना लिखना, मुझे एन कैप नहीं लिखना, तो आई एम राइटिंग एन कैप का डायरेक्शन मतलब बी क्रॉस सी का डायरेक्शन, तो मैं इधर ऐसे लिख रहा हूँ, अल्फा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी क्रॉस सी, ठीक है ना। बी क्रॉस सी इज वॉट अ वैक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी, दैट इज नथिंग, इसका जो डायरेक्शन होगा ना, इसका जो डायरेक्शन वो ए क्रॉस बी का होगा, क्योंकि इधर से लिखा है ना हमने, कहाँ गया हमारा, ये रहा बी, सॉरी नॉट ए क्रॉस बी, सॉरी 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 बी क्रॉस सी, ये बी क्रॉस सी को लिखा था ना इतना पार्ट, ठीक है ना। तो एन कैप क्या है बेसिकली, बी क्रॉस सी के डायरेक्शन, गेटिंग इट, सो दिस इज हाउ वी आर डिफाइनिंग अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, ठीक है ना, ए बी। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। ए बी सी साइन बीटा कॉस अल्फा, याद रखना बीटा जो लिया है हमने दैट इज एंगल बिटवीन बी एंड सी, और जो अल्फा एंगल लिया है दैट इज व्हाट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड वो जो नॉर्मल था बी क्रॉस सी, मतलब एन कैप जो था, एन कैप की जगह हम बी क्रॉस सी भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एस टी पी। तो देखो ये एप्लीकेशन बोल सकते हैं, तो हमारा जो जैसे डॉट प्रोडक्ट था वो कहाँ काम आता था, डॉट प्रोडक्ट हमारा आता था एक तो प्रोजेक्शन निकालने के लिए, एक एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने के लिए। सिमिलरली हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट था ऑफ टू वेक्टर्स वो कहाँ काम आता था, वो आता था हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए। उसी तरीके से जो हमारा एस टी पी है वो क्या काम आएगा, वॉल्यूम निकालने के लिए, किसका, पैरेललो पाइप, कौन सा पैरेललो पाइप, जो कि हमारे जो तीन वेक्टर्स है ना ए बी सी, उनको मैंने उनको तीन उन तीन वेक्टर्स को मान के मैंने अगर मान लो एक पैरेललोपाइप कंप्लीट किया, तो जो पैरेललोपाइप बनेगा उसका वॉल्यूम विल बी नथिंग बट एस टी पी ऑफ ए बी सी, ठीक है। बना देते हैं डायग्राम से बताता हूँ मैं, देखना ध्यान से, लेट से ये मेरा वेक्टर एक है और एक मेरा वेक्टर ये है, ठीक है, दिस इज वेक्टर बी दिस इज वेक्टर सी, और लेट से मैंने ये तो बोर्ड के प्लेन में हो गए, और एक मैं दूसरा वेक्टर ले रहा हूँ वेक्टर ए, लेट से दिस इज वेक्टर ए, दिस इज नॉट इन द प्लेन ऑफ बी एन सी। अब मैं क्या करूँगा देखना, जैसे अपने पहले भी मैंने बताया तीन नॉन को प्लेनर वैक्टर से, ठीक है ना, वी आर गेटिंग अप वी कैन कंस्ट्रक्ट अ यूनिक पैरेललोपाइप, सिम वही हम करने वाले हैं। तो ये वैक्टर सी है, तो मैंने वैक्टर बी ओ सी से सबसे पहले क्या किया, पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं, चलो दिस इज द पैरेललोग्राम, ठीक है ना, दिस इज वैक्टर सी दिस इज वैक्टर बी। ओके अब मैंने क्या किया, जो वैक्टर ए था, चलो इसको थोड़ा सा टिल्टेड बना लेते हैं वैक्टर ए को, सो दैट इट विल लुक गुड ऐसे,
जो वेक्टर ए है उसको मैंने इन तीनों वर्टिसेस पे रख दिया है. वी कैन ट्रांसलेट ऑल दीज आर वेक्टर ए ओनली, ऑल दीज आर माई वेक्टर ए. अब मैंने इनको ज्वाइन कर दिया. ज्वाइन करना मतलब ये वेक्टर बी है तो इनको जो ज्वाइन करूँगा दैट इज ऑल्सो वेक्टर बी. सिमिलरली इन दोनों को ज्वाइन करूँगा, दिस इज ऑल्सो वेक्टर बी. दिस इफ दिस वेक्टर इज वेक्टर सी, दिस इज ऑल्सो वेक्टर सी. एंड लास्टली दिस इज ऑल्सो वेक्टर सी. सो यू कैन सी वॉट कि तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स ए बी सी से हमें क्या मिल रहा है, एक पैरेललोपाइड मिल रहा है. अब मैंने क्या बताया इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कैसे, जो हमारा आया था क्या आया था अभी, ए बी सी साइन बीटा कॉस अल्फा, ये जो आया था हमारा कैसे पैरेललोपाइड को वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है. एक बार तुम लोग सोचो, वीडियो पॉज करके, हाउ दिस इज रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ दिस पैरेललोपाइड, यू जस्ट थिंक इट वंस. ठीक है, अब मैं इसके आंसर पे आ रहा हूँ. तो मैंने बोला एक मिनट के लिए पहले मैंने केवल बेस लिया पैरेललोग्राम का. सीयर दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी. ठीक है ना, अब मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ. देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ, बी सी साइन बीटा एक तरफ लिख रहा हूँ और ए कॉस अल्फा अलग लिख रहा हूँ. मतलब मैंने इसी चीज़ को, दिस इज वॉट ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी. तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, बी सी साइन बीटा और ए कॉस अल्फा एक साथ लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. अब ध्यान से देखो बी सी साइन बीटा क्या बता रहा है, जस्ट थिंक इट वंस. दिस इज बी, दिस इज सी. वॉट इज बी सी साइन बीटा, बी सी साइन बीटा बताएगा इस जो बेस है ना दैट इज पैरेललोग्राम, इसका एरिया कैसे बताएगा देख लेते हैं. अब मुझे पता है बी ओ सी के बीच में एंगल मैंने क्या माना है बीटा, तो ये हाइट कितनी हो गई, ये हाइट, दिस हाइट इज सी, ये सी है मैग्नीट्यूड, तो ये कितना हो गया सी साइन बीटा. दिस इज अलग कलर से कर देते हैं, दिस इज सी साइन बीटा और ये कितना है बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी. तो यू कैन सी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट. तो बेस इज बी, सी साइन बीटा इज हाइट. तो बी सी साइन बीटा ये क्या बता रहा है, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस. क्लियर हुआ यहाँ तक, एरिया ऑफ बेस इज बी सी साइन बीटा. अब मैंने बोला चलो एक और अल्फा पे आते हैं, तो आप तो शायद बता ही दोगे क्योंकि हमें पता है कि पैरेललोग्राम का वॉल्यूम कैसे डिफाइन होता है. अगर नहीं भी पता तो अभी जान जाओगे कि एरिया वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम इज एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. दोबारा एरिया सॉरी वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इज बेस का एरिया इनटू हाइट, जैसे हमारा रेक्टेंगल में होता है जस्ट लाइक दैट वे ओनली. तो एरिया बेस तो ये आ गया हमारा बी सी साइन बीटा, तो ऑफकोर्स ये क्या बना होगा मेरा उस पैरेललोपाइड का हाइट. तो देख लेते कैसे आ रहा है, तो जस्ट सी हियर. अब मैंने क्या किया हाइट, तो अब देखना ये मेरा वेक्टर ए है तो इधर से मैंने परपेंडिकुलर डाला एक. सो दिस इतना जो लेंथ आएगा वो कितना आएगा, देखो जस्ट सी हियर दिस मच लेंथ. इफ दिस इज ए, दिस इज अल्फा, वी नो परपेंड नॉर्मल के साथ ए जो एंगल बना रहा है दैट इज अल्फा. तो दिस इज नथिंग बट ए कॉस अल्फा एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट हाइट ऑफ पैरेललोपाइप. एक काम करता हूँ, बड़ा डायग्राम बनाता हूँ, पहले तुम लोग इसको कॉपी कर लो. ठीक है, मैंने क्या बोला कि हाइट ऑफ पैरेललोपाइप एक बार और बता देता हूँ मैं, ए कॉस अल्फा कैसे आई. लेट से ये मेरा पैरेललोग्राम है बेस, ठीक है ना. अब मैंने बोला कि ये मेरा क्या था, नॉर्मल वैक्टर था एन कैप, दैट इज डायरेक्शन ऑफ ए बी क्रॉस सी. तो अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो थर्ड वेक्टर है दैट इज वेक्टर ए, उसको मैं कहीं तो ऐसे ले लेता हूँ. लेट्स से दिस इज वेक्टर ए, ठीक है ना, लेट्स से दिस इज वेक्टर ए. तो इस पैरेललोग्राम का हाइट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का दिस मच लेंथ है ना. अगर मैं मान लो पैरेललोग्राम कंप्लीट करूँगा तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस ना. सो व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, दिस इज हाइट ऑफ वॉट माई पैरेलो पाइप एंड दैट इज नथिंग बट ए, और ये एंगल मुझे पता है अल्फा, मैंने ऐसे डिफाइन किया था, दिस इज ए कॉस अल्फा. तो दिस इज वॉट हाइट, हाइट ऑफ पैरेलो पाइप. हाइट ऑफ पैरेलो पाइप, तो मुझे पता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट क्या होता है, नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ पैरेलो पाइप. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम ऑफ पैरेलो पाइप. ठीक है, इसको याद रखना है. अच्छा, ये तीन वेक्टर कौन से लिए हमने, को इनिशियल वेक्टर्स या को टर्मिनल वेक्टर. मतलब क्या है कि ये जो तीन वेक्टर थे हमारे, देखो मार्क कर रहा हूँ मैं इसको डिफरेंट कलर से. एक तो मेरा ये वेक्टर है और एक मेरा ये वेक्टर है और एक मेरा ये वेक्टर है. ये तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर से मैंने क्या किया, एक पैरेलो पाइप कंस्ट्रक्ट किया. उसका पैरेलो पाइप का वॉल्यूम क्या होगा, दैट इज नथिंग बट एसटीपी ऑफ थ्री प्रोडक्ट्स, एसटीपी ऑफ दो थ्री वेक्टर्स. वो तीन वेक्टर्स कौन से हैं,
कोई भी नहीं ले लिया हमने, मतलब तीन को टर्मिनल, मतलब एक देखो ये तीनों जो वैक्टर हैं उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है ना, तो को इनिशियल वैक्टर्स बोल सकते हैं। ऐसे लिख लो भैया ए कॉमा बी कॉमा सी आर को इनिशियल, को इनिशियल वैक्टर्स, वेरी इजी यार, को इनिशियल वैक्टर्स। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी थोड़ी। चलो आगे बढ़ते हैं, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अच्छा एक चीज़ छोटा सा नोट और, जैसे ना अभी आगे चल के हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे ना तीन वेक्टर्स का, तो इट इज़ समथिंग लाइक दिस, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, या फिर ए क्रॉस बी क्रॉस सी। सुनना ध्यान से, छोटा सा नोट है अभी बता रहा हूँ, उस टाइम दोबारा बताऊँगा जब मैं लूँगा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। अब मैं बोल रहा हूँ कि इधर जो है ना इधर ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, बस अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। दीज टू आर डिफरेंट एक्चुअली, दीज टू आर डिफरेंट, दीज टू आर डिफरेंट, कैसे डिफरेंट है वो सब बात की बात है, फॉर टाइम बीइंग अभी इतना देखो कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि इधर जो है ना ब्रैकेट लगाना इंपॉर्टेंट है, मतलब इनमें ब्रैकेट्स लगाना इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है इस मतलब अगर नहीं लगाओगे तो दैट इज़ मीनिंगलेस एक्चुअली, मतलब क्या मीनिंगलेस है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी दिस इज मीनिंगलेस, मीनिंगलेस। अब कोई बोलेगा सर इधर क्यों डॉट प्रोडक्ट में क्यों बता रहे हो, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक्चुअली में जब हम एस टी पी डिफाइन करते हैं ना तो वी आर राइटिंग लाइक दिस वे ए डॉट बी क्रॉस सी, बट इधर ब्रैकेट लगाना ज़रूरी नहीं है, मतलब आई कैन राइट दिस एज ए डॉट बी क्रॉस सी, ब्रैकेट लगाना इधर ज़रूरी नहीं है। खुद सोचो क्यों, खुद सोचो वाई ब्रैकेट लगाना इधर ज़रूरी नहीं है। अब मैं आ रहा हूँ इसके सोल्यूशन पर, ठीक है ना, मैंने बोला अगर ब्रैकेट नहीं लगाया तो पॉसिबिलिटी क्या है, तुम क्या क्या करोगे, दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो तुम लिखोगे इसको ऐसे ए डॉट बी क्रॉस सी, इधर इधर ब्रैकेट लगाओगे, या फिर लगाओगे ए डॉट बी क्रॉस सी, बट दिस इज़ नॉट वैलिड, ये तो डिफाइन ही नहीं है। क्यों नहीं डिफाइन है, अगर तुमने मान लो ए का डॉट पहले बी के साथ ले लिया तो ये जो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है दैट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे क्या सी के साथ, नहीं ना, बट इधर क्या है ए इज अ वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी इज अगेन अ वेक्टर, तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, तो हियर इट इज वैलिड, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट इट इज अंडरस्टूड कि ब्रैकेट यहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, दिस इज मीनिंगलेस, ए डॉट बी क्रॉस सी ये डिफाइन ही नहीं है बिकॉज दिस इज स्केलर ए डॉट बी, उसका फिर क्रॉस लिया सी के साथ, तो स्केलर क्वांटिटी का क्रॉस कैसे ले सकते हैं, ठीक है, तो याद रखना ही छोटी सी पॉइंट था, तो मैंने बता दिया इधर ब्रैकेट लगाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ब्रैकेट नहीं लगाया इट इज़ अंडरस्टूड कि यही है, बट उधर लगाना जरूरी है बिकॉज दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट, ठीक है। चलो कॉपी कर लेना इसको भी, अब देखो नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट पॉइंट, एस टी पी ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी इज ऑल्सो डिनोटेड एज, देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, ए डॉट बी क्रॉस सी ये तो हमने लिखा ही था, दिस इज नथिंग बट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तीनों वेक्टर्स ए बी सी, और इसको रीड कैसे करते हैं, इट इज़ रीड एज बॉक्स ए बी सी, बॉक्स ऑफ ए बी सी या बॉक्स ए बी सी, तो इसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को एक और नाम से बुलाते हैं बॉक्स प्रोडक्ट, लिख लेना उधर, दिस इज ऑल्सो बॉक्स प्रोडक्ट, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बाद में बोलो कि सर बॉक्स प्रोडक्ट तो पढ़ा ही नहीं, इसी को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ही बॉक्स प्रोडक्ट बोलते हैं, और लिखेंगे क्या ए डॉट बी क्रॉस सी को बॉक्स के अंदर ए बी सी बनाएंगे, ठीक है ना, ए डॉट बी क्रॉस सी को हम क्या करेंगे बॉक्स के अंदर ए बी सी बनाएंगे, ठीक है, गेटिंग इट, तो छोटा सा पॉइंट था, कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं, छोटा सा बहुत ईजी पार्ट है एक्चुअली, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज ईजी, काफ़ी ईजी, ठीक है ना। चलो अब आते हैं तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और वेक्टर्स कैसे दिए, नेक्स्ट नोट के फॉर्म में लिख लेना पहले, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, और मैंने वेक्टर बी लिया बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, और वेक्टर सी लिया मैंने सी वन आई कैप, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होगा ये चीज़ मैं जो बताने जा रहा हूँ अभी, प्लस सी थ्री के कैप, नाउ व्हाट आई वांट बॉक्स ऑफ ए बी सी, ठीक है, बॉक्स ऑफ ए बी सी, अब मुझे वैसे तो पता है बॉक्स ऑफ ए बी सी क्या होता है, ए बी सी साइन बीटा कॉस अल्फा, पक्का करेक्ट है वो, बट अभी मुझे वेक्टर्स इस फॉर्म में दे दिए हैं, तो नाउ
दिस कैन बी रिटर्न एज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस इज, हमें क्या करना है डिटर्मिनेंट के अंदर जो कोफिशियंट्स दिए ना उनको लिखना है बस, और कुछ भी नहीं, मतलब ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री, दिस इज वॉट बॉक्स ए बी सी बहुत जगह यूज होगा, बिकॉज अभी हमने देखा कि जो ए बी सी है दैट रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, तो ये सब कैलकुलेशन बहुत आने वाला है तुम्हारे क्वेश्चंस में, ठीक है ना। तो एंड वी नो वी आर कंफर्टेबल विद 3x3 डिटर्मिनेंट्स, ठीक है ना। अब कोई बोलेगा सर ये आया कैसे, हाउ इट केम, तो इसको भी छोटा सा मैं काइंड ऑफ प्रूफ दे देता हूँ तुम लोगों को छोटा सा। अब मुझे पता है बॉक्स ए बी सी तो हमारा ये होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, ये होता है। अच्छा उससे पहले एक छोटा सा चीज, जैसे मान लो मुझे ए डॉट बी निकालना है तो हम क्या करते हैं, ए डॉट बी निकालने के लिए सिंपली आई का कोफिशिएंट आई के साथ जे का जे के का के साथ, तो व्हाट वी आर गेटिंग हियर इट इज ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। मतलब ऐसे देखो कि हमने क्या किया बेसिकली, इस आई कैप को उठा के इस आई कैप को रब करके बी वन लिख दिया, इस जे कैप को उठा के हमने बी टू लिख दिया, और इस के कैप को उठा के हमने बी थ्री लिख दिया, ठीक है। आप देखना यहाँ से, अब मैंने लिखा ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ए तो मेरा क्या है ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, और जो मेरा बी क्रॉस सी है, बी क्रॉस सी क्या होगा, कल देखा था हमने डिटरमिनेंट के फॉर्म में आई जे के बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री। अब मैंने क्या बोला, जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ना हम कोई भी, जैसे मैंने इस आई कैप की जगह ए वन लिख दिया, फिर इस जे कैप की जगह ए टू लिख दिया, इस के कैप की जगह ए थ्री लिख दिया, ऐसे बोल लो या उल्टा बोल लो, इस आई कैप की जगह बी वन लिख दिया, इस जे के की तरह जे की जगह बी टू लिख दिया, इस के कैप की जगह बी थ्री लिख दिया, उसी तरीके से मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ, व्हाट आई विल डू, इस आई कैप की जगह मैं कर दूंगा ए वन, इस जे कैप की जगह बी वन, इस के कैप की जगह सी वन, सो व्हाट यू विल गेट, इधर से हट के ये क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा ए वन बी ए वन ए टू ए थ्री, दैट्स इट, गेटिंग इट। और बाकी तुम एक और तरीका कर सकते हो कि मैंने लो ओपन दिस डिटरमिनेंट, यू विल गेट सिक्स टर्म्स एज यू नो, और जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे ना ए डॉट बी क्रॉस सी को, यू विल गेट द सेम सिक्स टर्म्स। कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले बी क्रॉस सी निकालोगे, उसमें छह टर्म्स आएंगी, और ए का डॉट लोगे उन छह टर्म्स के साथ, तो अगेन यू विल गेट द सिक्स टर्म्स ओनली, सो यू कैन सी यू कैन वेरीफाई, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, बिकॉज वी आर गोइंग टू डू हम सेपरेटली ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, पहले बी क्रॉस सी निकाला फिर उसका ए के साथ डॉट लिया, कभी नहीं, वी डायरेक्टली राइट डिटर्मिनेंट, बिकॉज वी आर कंफर्टेबल विद बी क्रॉस सी डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। एंड दैट इफ यू पुट हियर यू विल गेट द सेम थिंग, बट इट इज टाइम कंज्यूमिंग, गेटिंग इट, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बॉक्स, अभी इस पर क्वेश्चन आएंगे, पहले मैं एक बार थियरी कंप्लीट कर लूँ इस एस टी पी की, उसके बाद वी विल जंप टू द क्वेश्चन, वो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही है, कुछ पॉइंट्स और है, ठीक है ना। चलो अब लिख लो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ एस टी पी। अच्छा एक चीज़ तुमने देखी अभी, जैसे अभी अपने लिखा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया, मतलब ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री। अब क्या हुआ ना कि हमारे पास ना बहुत अच्छी चीज़ आ गई, क्या चीज़ आ गई कि हमने ऑलरेडी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी है, तो अब क्या होगा, तो अभी तुम देखोगे जब भी तुम फील आएगा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी है ना एस टी पी की, वो कुछ अलग नहीं है, डिटरमिनेंट वाली ही प्रॉपर्टीज है घुमा फिरा के, ठीक है ना, बिकॉज अब हम डील करेंगे डिटरमिनेंट के फॉर्म में, मतलब हमने जो डिटरमिनेंट्स पढ़े थे प्रॉपर्टीज वो अब इधर काम आएंगी, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अब प्रॉपर्टी वन, एक बार तुम लोग प्रूफ करना इसको, ट्राई करना, मतलब मैं क्या लिख रहा हूँ, लिखो डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज, कैन बी इंटरचेंज, डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज, व्हाट डज दिस मीन, कि जो जैसे मैंने इधर लिखा था ना ए डॉट बी क्रॉस सी, इधर जो मैंने लिखा था ए डॉट बी क्रॉस सी, तो वो ये बोल रहा है कि डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब इस डॉट को और इस क्रॉस को वी कैन इंटरचेंज, मतलब देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, ए क्रॉस बी डॉट सी, दिस इज सेम एज ए क्रॉस बी डॉट सी, अफकोर्स ब्रैकेट भी इधर शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज ब्रैकेट किधर आएगा, अफकोर्स इधर ही आएगा,
बिकॉज अगर उधर ब्रैकेट लगा दिया तो वो तो डिफाइन ही नहीं होगा ना, बी डॉट सी इज अ स्केलर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ी ले पाएंगे, तो ब्रैकेट नहीं भी लगाओ तो भी चलेगा। बट हमें क्या करना है, हमने क्या बोला कि डॉट एंड क्रॉस कैन बी सिंपली इंटरचेंज, इट विल नॉट इम्पैक्ट। अब प्रूफ देख लेते हैं इसका, तुम लोग एक बार ट्राई कर लो, जस्ट यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स कि वो रो को इंटरचेंज करते थे एक नेगेटिव साइन आता है लाइक दैट वे, इफ यू डू दैट यू विल गेट दिस थिंग, ठीक है ना। हम नेक्स्ट को प्रूफ पे आ रहा हूँ, तो लेट्स से इसको लिख रहा हूँ बॉक्स ए बी सी को मैंने जो लिखा था ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री, ठीक है ना। अब मुझे क्या चाहिए, ए क्रॉस बी डॉट सी चाहिए, ठीक है ना। अब क्या करें, ए के साथ क्रॉस चाहिए बी का, ओके नो प्रॉब्लम। तो हम मैंने क्या किया, इन दोनों रोज को इंटरचेंज किया या स्लाइड किया ऊपर, ऐसे बोल सकते हैं। एक नेगेटिव एक्स्ट्रा आएगा, इधर आ जाएगा बी वन बी टू बी थ्री, इधर आ जाएगा ए वन ए टू ए थ्री, इधर रहेगा सी वन सी टू सी थ्री, ठीक है। अगर मैं इसको रोल ओवर करूँ जस्ट कर सकते हैं क्रॉस से, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए को मैं को डॉट सी, ठीक है। अब मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूँ, रो वन एंड रो थ्री को एक साथ भी कर सकते थे दोनों को, मैं समझाने के लिए बस बताया। तो अगेन एक एक्स्ट्रा नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, व्हाट यू विल गेट हियर इज सी वन सी टू सी थ्री, और ये ऐसे ही रहेगा ए वन ए टू ए थ्री और बी वन बी टू बी थ्री, ठीक है। अब मुझे पता है कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एस टी पी हम क्या करते थे, जैसे अभी अपन ने क्या लिखा था, ए बी सी लिखा था, तो हम पहली रो में ए दूसरी में बी तीसरी में सी, है ना। अब उल्टा कर रहे हैं, अब क्या मैं बोल रहा हूँ, पहली में सी लिखा है दूसरी में ए तीसरी में बी लिखा है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, सी डॉट ए क्रॉस बी, मतलब पहली रो वाला वेक्टर इधर आता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, और सेकंड इतना क्रॉस आता है ए क्रॉस बी, ये आ गया इसके बराबर। और मुझे पता है कि डॉट प्रोडक्ट तो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, मतलब ए डॉट बी सेम एज बी डॉट ए, तो दिस कैन फर्दर बी रिटर्न एज, ये तो एक वेक्टर है ए क्रॉस बी, इसका सी के साथ डॉट लिया, तो उल्टा करके लिख देता हूँ ए क्रॉस बी डॉट सी, एंड दैट इज नथिंग व्हाट वी हैव टू प्रूफ, ठीक है। क्या किया मैंने बेसिकली, दो बार बस ना रोज को इंटरचेंज, पहले नेगेटिव आया फिर नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो गया, और इसी डिटरमिनेंट को ऐसे लिख सकते हैं, एंड सिंस डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव सो आई कैन स्वैप दीस टू थिंग्स, ठीक है। Getting it? बहुत important है, dot and cross can be interchanged. Next property, तो फिर जम करने के लिए पहले इसको copy कर लो। Next property is again very very important again. देखना क्या लिख रहा हूँ मैं, if ऐसे लिख लो पहले फिर समझाता हूँ, if cyclic order is maintained, if cyclic order is maintained then STP will remain unchanged, then STP will remain unchanged, basically determinant की property है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने लिखा बॉक्स ए बी सी, बॉक्स ए बी सी, ठीक है ना, तो वो बोल रहा है कि अगर cyclic order maintain है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बराबर ही होंगी, मतलब कहने का मतलब क्या है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी सी ए या फिर सी ए बी ऐसे लिख सकता हूँ, ऑल द थ्री विल बी सेम, दैट यू कैन सी कैसे करोगे, जैसे इसको क्या लिखोगे तुम डिटर्मिनेंट को ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री, और अब मैं क्या करूँगा देखना, मुझे प्रूव करना ये इसके बराबर है, मतलब बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री ए वन ए टू ए थ्री, नाउ यू कैन सी दो बार रोज को इंटरचेंज करोगे, मतलब पहले इन दोनों को इंटरचेंज कर लो, एक नेगेटिव आएगा फिर इन दोनों को इंटरचेंज कर लो दूसरा नेगेटिव आएगा एंड यू विल गेट दिस डिटरमिनेंट, ठीक है ना। तो क्या बोलूँगा मैं, अगर साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन है तो डिटरमिनेंट एसटीपी विल रिमेन द सेम, ठीक है ना। और अगर हमने साइक्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब किया तो दिस विल बी व्हाट नेगेटिव ऑफ, तो मैंने ए बी सी की जगह, अगर मैं बी सी ए की जगह बी ए सी लिख रहा हूँ तो गड़बड़ा जाएगा, प्लस माइनस सी बी ए लिख रहा हूँ तो गड़बड़ा जाएगा, माइनस इधर आएगा, ठीक है ना। और एक और कॉम्बिनेशन बन जाएगा जो भी है, इट इज़ माइनस ए बी सी होता है ना ए सी ए ए सी बी, गेटिंग इट। तो कोई अगर एक को, और ये कैसे आएगा एक्सप्लेनेशन, सेम थिंग इसमें क्या करेंगे, एक रो को इंटरचेंज करेंगे तो उसके कारण नेगेटिव आ जाएगा, गेटिंग इट। तो बेसिकली कुछ अलग नहीं है, दैट इज़ नथिंग बट अ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट ओनली, ठीक है, बट बहुत यूजफुल है।
ठीक है ना, बहुत यूजफुल है। तो साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन है ना, तो डेटा एसटीपी विल रिमेन द सेम। तो एबीसी, बीसीए, बीसीए, सीएडी, ऑल द थ्री विल बी सेम। गेट इट? चलो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। बहुत सिंपल सिंपल है। थर्ड वन, ये गेट प्रॉपर्टी है कि हम डिटर्मिनेंट में मान लो कोई रो है या कॉलम है, अगर वो किसी नंबर से मल्टीप्लाइड होता था एक फिक्स नंबर से, स्केलर से, उसको हम बाहर ले लेते, वही चीज़ है। क्या है चीज़ देखना, मैंने लिखा बॉक्स ऑफ थर्ड प्रॉपर्टी, बॉक्स ऑफ लेट से अल्फा टाइम्स वेक्टर ए, इधर लिख दिया बी, इधर वेक्टर सी। अल्फा इज स्केलर, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन टेक अल्फा कॉमन आउटसाइड द बॉक्स, तो इट इज़ बॉक्स ए बी सी, दैट यू कैन सी। अब ओरली हो जाएगा, इसमें तो प्रूफ देने की जरूरत है ही नहीं कि क्या करेंगे। अगर इसको इसका वेक्टर लिखोगे तो हम इसको ट्रेलर लिख लेते हैं। व्हेन यू विल राइट इट इन डिटरमिनेंट फॉर्म, व्हाट यू विल राइट, क्या लिखोगे, अल्फा ए वन, अल्फा ए टू, अल्फा ए थ्री, फिर आएगा बी वन, बी टू, बी थ्री, सी वन, सी टू, सी थ्री। नाउ यू कैन टेक अल्फा कॉमन और जो रिमेनिंग बचा दैट इज नथिंग बट बॉक्स ए बी सी। तो क्या आ जाएगा, अल्फा टाइम्स बॉक्स ए बी सी। समझ में आई चीज़ें? बहुत आसान। फोर्थ वन, अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट, जस्ट जैसे हमने डिटर्मिनेंट पढ़ा था कि हम डिटर्मिनेंट को ब्रेक कर सकते हैं टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ सेम ऑर्डर बट विथ रिस्पेक्ट टू एनी रो या कॉलम, मतलब जिस रो के रिस्पेक्ट में हम ओपन कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, वो चेंज होगी, बाकी दो एज इट इज रहेंगी। तो वही चीज़ हम इधर लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं देखना ध्यान से, एग्जैक्टली सेम। लेट से मैंने ऐसे लिखा ए प्लस बी वैक्टर एक्स और सी और डी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर मैंने एडिशन ऑफ दो वैक्टर लिखे हैं, तो उस वो क्या बोल रहा है, वी कैन ब्रेक इट इनटू टू बॉक्सेस, वी कैन ब्रेक इट इनटू टू बॉक्सेस, एंड क्या करेंगे ना, सी और डी तो सेम रहेंगे, सी डी, सी डी, बस इसको ए और बी है ना, तो इधर ए एक जगह ए लिख दिया, एक जगह बी लिख दिया, दैट्स इट। जस्ट लाइक डिटर्मिनेंट, जस्ट लाइक डिटर्मिनेंट, एग्जैक्टली कोई भी अंतर नहीं है। तो प्रूफ देना है तो प्रूफ के फॉर्म में भी लिख लो, भले लिखना है तो, अगेन नॉट रिक्वायर्ड, ए वन प्लस बी वन, ए टू प्लस बी टू, ए थ्री प्लस B3, और इधर आएगा C1, C2, C3, इधर आ जाएगा D1, D2, D3. Now what you will do? Now you, it should be a vertical line. Determinant है ना, not a square bracket. That is for matrices actually. आगे पढ़ेंगे। So A1 plus B1, A2 plus B2, A3. Now you can what? You can break it into two determinants. Two determinants. और उसमें क्या होगा? Row 2 और row 3 will remain the same. Row 1, एक determinant row 1 क्या हो जाएगा? A1, A2, A3. और दूसरे डिटर्मिनेंट में रो वन क्या हो जाएगा, बी वन, बी टू, बी थ्री, और फिर अगेन वो उन दोनों डिटर्मिनेंट्स को यू कैन राइट इन बॉक्स के फॉर्म में। गेट इट? बहुत ही आसान चीज़ थी। अब आते हैं नेक्स्ट, वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, ठीक है। और ये लेक्चर देखने के बाद जो शीट में वेक्टर प्रोडक्ट वाली शीट है डीपीपी है, वो इसको कंप्लीट जरूर कर लेना यहाँ से, ठीक है। इस पर आप कर देता हूँ, दो चार हो गई। अब इतनी प्रॉपर्टी काफी, एक छोटा सा नोट और लिखवा देता हूँ। अब खुद बता, खुद सोचना, अगर मैंने बोला बॉक्स ए बी सी जीरो है, व्हाट डज दिस मीन, मतलब इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकाले। जैसे फॉर एग्जांपल एक बार क्विक रिव्यू करते हैं, मैंने बोला ए डॉट बी अगर जीरो होता था तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती थी, थ्री पॉसिबिलिटीज होती थी, या तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जीरो, या मैग्नीट्यूड ऑफ बी जीरो, या फिर ए इज परपेंडिकुलर टू बी। उसी तरीके से ए क्रॉस बी अगर जीरो होता था तो अगेन देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज, मॉड ए जीरो, मॉड बी जीरो, या फिर ए इज कोलिनियर विथ बी, तो ए इज लैम्डा बी, ऐसे लिख सकते हैं। याद आया कुछ? तरीके से इफ बॉक्स ए बी सी अगर जीरो है, देन व्हाट डज दिस इंप्लाई, इससे क्या क्या इंटरप्रिटेशन निकल सकता है। तो बॉक्स ए बी सी जीरो है तो हम क्या कर सकते, क्या करें, पहले बॉक्स ए बी सी को लिख लेते हैं नॉर्मल फॉर्म में। तो क्या होता है बॉक्स ए बी सी, ए बी सी साइन बीटा कॉस अल्फा इक्वल्स टू जीरो। तो ये पांच क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है, पांच में से कोई भी एक जीरो हो गई तो बॉक्स जीरो हो जाएगा। तो देख लेते हैं, ये तीनों तो दिख रहा है क्लियरली, अगर ए मॉड ए जीरो है, मतलब ए नल वेक्टर है तो भी ये जीरो, बी नल वेक्टर है तो भी ये जीरो, सी नल वेक्टर है तो भी ये जीरो। तो ए बी सी में से अगर कोई भी एक वेक्टर नल वेक्टर हो गया देन माय बॉक्स प्रोडक्ट विल बी जीरो। तो ठीक है, एक तो ये हो गया कंक्लूजन। तो ऐसे क्या होगा, इफ एनी वन ऑफ
एनी वन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी इज नल वेक्टर देन बॉक्स ए बी सी इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, कम से कम एक वेक्टर अगर नल वेक्टर हो गया तो बॉक्स ए बी सी जीरो हो जाएगा. दिस इज द फर्स्ट. और क्या क्या पॉसिबिलिटी, अभी दो पार्ट और बाकी है, साइन बीटा कॉस अल्फा. नाउ लेट्स मूव टू द साइन बीटा. अब साइन बीटा जीरो है, साइन बीटा जीरो कब होगा, व्हेन बीटा इज जीरो या पाई. और बीटा था क्या हमारा, बी और सी के का एंगल, बी और सी के बीच में एंगल. दैट मीन्स बी एंड सी आर कोलिनियर वेक्टर्स. तो क्या हो गया, अगर बी और सी कोलिनियर हो गए, अगर बी और सी कोलिनियर हो गए तो हमारा क्या हो जाएगा, बॉक्स विल बी जीरो, साइन बीटा जीरो हो जाएगा. तो इसको मैं जनरलाइज कैसे लिखूं, मैं तो बी और सी इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने इस फॉर्म में लिखा है. मतलब कहने का मतलब बॉक्स ए बी सी को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बॉक्स ए बी सी को अभी वाले प्रॉपर्टी से बॉक्स सी ए बी या फिर बॉक्स बी सी ए. तो अगर मैं इधर बोलूँगा तो ए और बी के बीच में, ए और बी अगर कोलिनियर है, इधर बोलूँगा सी और ए कोलिनियर है, इधर बी और सी कोलिनियर है. तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर हो जाए ना, सुनना ध्यान से जनरलाइज स्टेटमेंट, अगर ए बी सी में से कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर हो गए देन माई बॉक्स विल बी जीरो. अभी इस पर दोबारा भी आऊँगा, पहले लिख लो. इफ एनी टू ऑफ द थ्री, इफ एनी टू ऑफ द थ्री वेक्टर्स ए कॉमा बी कॉमा सी आर कोलिनियर देन बॉक्स ए बी सी विल बी जीरो. गेटिंग इट, कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर हो गए, कोलिनियर मतलब एक दूसरे का स्केलर टाइम्स है. ठीक है ना. अच्छा, और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, थर्ड पॉसिबिलिटी, कॉस अल्फा जीरो हो जाए. अब याद करो अल्फा क्या था, अल्फा इज व्हाट, एंगल बिटवीन मतलब एन कैप और ए के बीच में एंगल था. अगर वो नाइन, कॉस अल्फा जीरो कब होगा, व्हेन अल्फा इज 90. दैट मीन्स जो वेक्टर ए है, याद है देखो ऐसे, मतलब एक बार बता देता हूँ इधर डायग्राम, ये ए दिस इज बी दिस इज सी और ये मेरा वेक्टर ए था और दिस इज नॉर्मल एन कैप का डायरेक्शन. तो दिस इज अल्फा. अगर अल्फा 90 हो गया इसका मतलब क्या हो गया, तो मेरा वेक्टर ए है वो बी ओ सी के प्लेन में आ गया. मतलब कैसे, देखो बता रहा हूँ, ये दो वेक्टर है मेरे ब्लैक वाले, दिस इज बी एंड सी वेक्टर. इनिशियली वी हैव टेकन वेक्टर एज दिस एंड अल्फा एंगल इज व्हाट, इस ब्लू वाले का रेड के साथ एंगल. इफ दिस एंगल इज 90, इफ अल्फा इज 90 दैट क्या होगा, जो रेड वाला ब्लू वाला है वो बी ओ सी के प्लेन में आ जाएगा. Now you can see this is the scenario when alpha is 90. So that means what? A, B, C are coplanar. So likh lo. If A, comma B, comma C are coplanar, then box A, B, C equals to zero. और वैसे भी बोल सकते हो कि अगर तीनों वेक्टर्स कोप्लैनर होगा ए बी सी तो काय का पैरेलल पाइप, पैरेलल पाइप तो बनेगा नहीं ना, पैरेलल पाइप बनेगा नहीं, और पैरेलल बनेगा नहीं तो उसका वॉल्यूम है जीरो, और वॉल्यूम किसको रिप्रेजेंट करता है, बॉक्स ए बी सी को, हेंस बॉक्स ए बी सी जीरो. ऐसे भी बोल सकते हो तुम. समझ में आया क्या बोला, मैंने बोला कि तीनों वेक्टर अगर कोप्लैनर होगा एक ही प्लेन में आएगा ए बी सी, तो यू कैन नॉट मेक अ पैरेलल पाइप बिकॉज पैरेलल पाइप बनाने के लिए हमें तीन नॉन कोप्लैनर वेक्टर्स की जरूरत होती है. तो इफ दीज थ्री वेक्टर्स आर कोप्लैनर देन यू कैन नॉट मेक अ पैरेलल पाइप. पैरेलल पाइप नहीं बना मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज उसका वॉल्यूम जीरो है, और वॉल्यूम किसके बराबर होता है, बॉक्स ऑफ ए बी सी. Hence, box of ABC is zero. Get it? So this is very, very, very important. बहुत important है और इसके बेसिस पे हम questions भी करने वाले हैं, कुछ proofs भी देखने वाले हैं. ठीक है, तो इसको copy कर लो. तो जैसे इसी के अंदर अगर छोटा सा ऐसे, चलो इसको drop कर देते पहले, copy करना इसको. ठीक है ना, box ABC zero है तो there are three possibilities again. पहले तो ABC में से कोई भी एक null vector हो जाए, कम से कम एक, या फिर बी ओ सी, या फिर बी ओ सी बोल छोड़ो, जनरलाइज बोलेंगे कि एनी टू ऑफ द वेक्टर्स आर कोलिनियर, और तीसरी चीज वो तीनों कोप्लैनर हो जाए. ठीक है ना, दीज आर द थ्री पॉसिबिलिटी. इसी के आधार पर अगर मैंने बोला तुमसे पूछा व्हाट इज जीरो वेक्टर ए वेक्टर बी, योर आंसर विल बी जीरो. फिर मैंने बोला व्हाट इज वेक्टर ए जीरो बी, अगेन योर आंसर विल बी जीरो. इफ यू से ए बी जीरो देन अगेन योर आंसर विल बी जीरो बिकॉज ये इसमें क्या हो रहा है, एटलीस्ट वन ऑफ द वेक्टर इज नल वेक्टर, हेंस आउटपुट इज जीरो. और जो दूसरा वाला था कोलिनियर के लिए, मैं ऐसे लिख लेता हूँ. देखो मैंने लिखा ए टू ए बी, अगेन इट इज़ जीरो बिकॉज दीज टू वेक्टर्स आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, कोलिनियर ए एंड टू ए, हेंस बॉक्स इज जीरो. या फिर मैंने ऐसे लिखा ए बी सी, ए बी चलो इधर लिख लिया, चलो माइनस थ्री बी, कुछ भी लिख लिया, अगेन इट इज़ जीरो
डायरेक्टली बोलेंगे आज बंद करके, दिस इज जीरो बिकॉज वी टू आर पोलिनियर वेक्टर्स। और ठीक है ना, ये तो पोलिनियर के लिए हो गया, और ये हो गया नल वाले के कारण। और तीसरा कोप्लेनर के लिए मैं ऐसे लिख लेता हूँ, देखो चलो कोप्लेनर के लिए ऐसे लिख लो, a b - a - b ऐसे भी लिख लो। एक्चुअली दिस थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर क्योंकि इनका एडिशन इज जीरो, एंड वी नो इफ इफ तीन वेक्टर्स का एडिशन इज जीरो तो क्या होता है बेसिकली, मैंने पहले क्लास में बताया, या तो वो ट्रायंगल बनाएंगे या फिर वो कोलिनियर होंगे, एंड ट्रायंगल बनाएंगे तो भी वो कोप्लेनर है, और कोलिनियर होंगे तो भी वो कोप्लेनर है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो जीरो। ठीक है, तो बॉक्स ए बी सी इतने तरीके से हमारा जीरो हो सकता है। अब इसके आधार पर छोटा सा क्वेश्चन करते हैं जो कि एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह भी हम याद रखेंगे उसको इन बड़े बड़े क्वेश्चंस के लिए। अभी मैं उसको एज ए प्रूफ करा रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं उसको एज ए प्रूफ करा रहा हूँ और उसका एक शॉर्टकट भी बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिख लो, प्रूफ दैट बॉक्स ऑफ ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बॉक्स ए बी सी। ठीक है ना, ये प्रूफ करना है, वेयर ए बी सी आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है ना, वेयर ए बी सी आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। प्रूफ करो, ट्राई करो एक बार। चलो अब मैं आता हूँ उसके प्रूफ पे। तो जैसा कि मैंने बोला था कि डिटर्मिनेंट को हम ब्रेक करते हैं, तो वी आर ब्रेकिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू एनी वन रो या वन कॉलम, बाकी दो रो या दो कॉलम एज इट इज रखे रहते हैं। तो आई ब्रेक इट इन टू टू पार्ट्स, देखना ध्यान से, ऐसे ट्री डायग्राम टाइप का बनता चला जाएगा, देखना कैसे। लेट्स से मैं इसके रिस्पेक्ट में ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है ना, सो दीज टू विल रिमेन द सेम। तो व्हाट यू विल गेट हियर इज, देखना ध्यान से, ए और ये एज इट इज बी प्लस सी, सी प्लस ए, एंड अगेन प्लस, फिर अगेन यू विल गेट हियर बी, एंड हियर यू विल गेट B प्लस सी सेम, एंड हियर इट इज सी प्लस ए सेम। यहाँ तक समझ में आया, मैंने फर्स्ट के रिस्पेक्ट में ब्रेक किया, बाकी एज इट इज सेम। नाउ व्हाट अगेन हियर व्हाट यू विल डू, अब मैं इधर किसी एक के थ्रू ब्रेक करूँगा, तो अगेन यू विल गेट टू फ्रॉम दिस साइड, टू फ्रॉम दिस साइड, एंड इन लास्टली जो चार मिले उनमें अगेन दो दो मिलेंगे, तो टोटल यू विल गेट एट बॉक्सेस। आउट ऑफ दोज एट बॉक्सेस व्हाट यू सी कि हमारे छः जीरो होने वाले हैं। क्यों जीरो होने वाले हैं वो भी देखते चलो। तो देखो इधर, तो मैंने अभी इधर ब्रेक कर रहा हूँ दो पार्ट्स में इसके रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया ए बी और सी प्लस ए, एंड दिस विल बी ए सी, सी प्लस ए, देखो सी प्लस ए एज इट इज, इसके रिस्पेक्ट में ब्रेक किया बी सी। सिमिलरली आई विल ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स, तो अगेन मैं बीच वाले के रिस्पेक्ट में ब्रेक कर रहा हूँ, तो बाकी एज इट इज सेम रहेंगे, मतलब ये बी और ये सी प्लस ए सेम रहेगा, प्लस इसमें भी ये B और ये C प्लस ए सेम रहेगा, और बीच वाले के रिस्पेक्ट में तो एक जगह B लिख दिया एक जगह C लिख दिया। ठीक है, अच्छा यहीं तुम कुछ ना कुछ तो ये तो जल्दी कर यहाँ भी कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको मैं जीरो बोल दूँ क्या यहीं, या फिर तुम ब्रेक कर दो, अदरवाइज यू कैन टेल हियर ओनली जीरो, बिकॉज ये तीन वैक्टर्स हैं बी और सी प्लस ए, टू वैक्टर्स को ले लें बी और बी, दो वैक्टर सेम है। ठीक है, तो क्या बोलूँ डायरेक्टली एल से दिस इज जीरो, तो यहीं ये जीरो हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, तो अगेन आई विल ब्रेक दिस इनटू टू पार्ट्स, इसके रिस्पेक्ट में ब्रेक कर रहा हूँ सी प्लस ए, तो इधर हो जाएगा ए बी सी, और ये हो जाएगा ए बी ए, और ये हो जाएगा अगेन इट विल ब्रेक इनटू टू पार्ट्स ए सी सी, ए सी ए प्लस, ये प्लस, अगेन दिस विल ब्रेक इनटू टू पार्ट्स बी सी सी, बी सी ए। नाउ देखो ए बी सी, ये तो परफेक्ट है, ए बी ए बी ए, तो दो वेक्टर्स सेम आ गए, कोलिनियर आ गया, मतलब जीरो हो गया बॉक्स। फिर ए सी सी, अगेन दो वेक्टर सेम आ गए, जीरो आ गया, ए सी ए, अगेन दो वेक्टर सेम आ गए, जीरो आ गया, बी सी सी, अगेन दो वेक्टर सेम आ गए, जीरो आ गया। अच्छा अब बी सी ए और ए बी सी बराबर होते हैं बिकॉज साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन है ना, मैंने बताया था प्रॉपर्टी में, ए बी सी बॉक्स ऑफ ए बी सी सेम एज बॉक्स ऑफ बी सी ए सेम एज बॉक्स ऑफ सी ए बी, सो कैन आई राइट दिस एज टू टाइम्स बॉक्स A B C, hence proof. ठीक है ना, although you are seeing it is bit lengthy, but it is not actually. Practice होगा तो तुम you can make it fast. वैसे ही मैं भी shortcut बताने वाला हूँ, ठीक है ना? वैसे ही मैं भी shortcut बताने वाला हूँ, तो लिखी लेते हैं shortcut. अब question आ गया तो before that पहले इसे solve करो, और क्या करो, just copy मत करो, ऐसा क्वेश्चन की तरह ट्रीट करके, तुम लोग अभी जैसे तुमने सोल्यूशन देख भी लिया है बट कॉपी नहीं किया है, तो एक बार उससे कोशिश करो, ठीक है ना? अब हम वो नोट लिख लेते हैं शॉर्टकट वाला,
नोट क्या है, बहुत ही आसान हो जाएगा इससे ये क्वेश्चन देखना। इससे क्या अभी क्या है, तुम इधर कुछ भी कॉम्बिनेशन दे सकता है ए बी सी का, तो मैं जनरलाइज लिख रहा हूँ। अभी तो फिर भी दो दो वेक्टर का एडिशन दिया, अब कुछ कुछ लेंथी क्वेश्चन में उधर तीन तीन वेक्टर से देगा, ए बी सी, इधर भी ए बी सी का कॉम्बिनेशन, इधर भी ए बी सी का कॉम्बिनेशन, और उसमें भी कोफिशिएंट्स अलग कर देगा। फॉर एग्जांपल मान लो इस टाइप का दे दिया तुमने, जैसे ए माइनस टू बी प्लस थ्री सी, फिर इधर लिख दिया बी प्लस सी माइनस टू ए, फिर इधर लिख दिया मान लो थ्री सी माइनस नाइन ए प्लस बी। अब बताओ इसको करोगे तो कितना डिटरमिनेंट ब्रेक होगा, बहुत, वैसे तो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, इसलिए आई एम टेलिंग यू नाउ शॉर्टकट। शॉर्टकट से क्या होगा, ये सब चुटकियों में आ जाएंगे विद इन, मतलब एक मिनट भी नहीं लगेगा, 30 seconds। ठीक है, कैसे, अब देखो तो नोट के फॉर्म में लिख लो उसको। मैंने लिखा ऐसे, लिख लेते हैं अल्फा वन ए प्लस अल्फा टू बी प्लस अल्फा थ्री सी बॉक्स ऑफ बीटा वन ए प्लस बीटा टू बी प्लस बीटा थ्री सी, और थर्ड इज गामा वन वेक्टर ए प्लस गामा टू वेक्टर बी प्लस गामा थ्री वेक्टर सी। ठीक है ना, ये और वे मैं ए बी सी आर थ्री नॉन कोप्लानर वेक्टर्स। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसको आई कैन, उसका प्रूफ कि इट इज़ अगेन नॉट रिक्वायर्ड, मैं शॉर्टकट है बस। इधर क्या करूँगा, जो कोफिशिएंट्स है ना ए बी सी के, उनको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखूँगा, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री गामा वन गामा टू गामा थ्री, और बाहर लिख दूंगा सिंपली बॉक्स ए बी सी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस में तो डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर डायरेक्टली, कुछ नहीं करना, तुम्हें क्या करना है, जैसे ए बी सी के टर्म्स में लिखा है ना, ये वेक्टर भी ये वेक्टर भी ये वेक्टर भी, तो बस इसके कोफिशिएंट्स को मैं डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखने हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मैं इस वेक्टर पे आता हूँ, इस वाले क्वेश्चन पे आता हूँ, तो तुम क्या लिखोगे, बॉक्स डिटरमिनेंट ऑफ, अब ए बी सी के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, इधर 1 1 0 तो जाएगा 1 1 0, इधर ए बी सी क्या हो जाएगा 0 1 1 तो 0 1 1, और इधर क्या हो जाएगा सी ए है ना, तो 1 1 और बी का कोफिशिएंट 0, एंड दिस इनटू बॉक्स ए बी सी। नाउ व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस डिटरमिनेंट डेफिनेटली यू विल गेट 2, बिकॉज हमारा 2 times बॉक्स ए बी सी आया था, तो जो ये कितना कैलकुलेट करना आसान है। फॉर एग्जाम्पल मान लो इसी क्वेश्चन को मैं ये वाले क्वेश्चन को ट्रीट करता, तो क्या लिखता, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी का कोफिशिएंट 1 - 2, इसको कंप्लीट कर लेना 3, इधर ए बी सी का, अच्छा इसने ऐसे लिखा है बी प्लस सी प्लस माइनस टू है, बट हमें ए बी सी के ऑर्डर में लिखना है, ठीक है ना, सी है इधर जो है ना ए बी सी के ऑर्डर मेंटेन है, तो इधर भी हम इसको -2 1 1 लिखेंगे, क्या होगा, बच्चे लोग जल्दी जल्दी में ऐसे लिख सकते हैं 1 1 - 2 इधर, नहीं ऐसा नहीं करना है, ए बी सी का ही ऑर्डर फॉलो होगा, इधर ए कितना, ए का -9 बी का 1 सी का 3, सो दिस इनटू बॉक्स ए बी सी। अब सोचो इसको करते तुम घंटों लग जाते, इसको करो एक मिनट भी नहीं लगेगा, यू हैव टू जस्ट क्रॉस कैलकुलेट दिस 3 x 3 डिटरमिनेंट, दैट्स इट, गेटिंग इट, और बाकी इस पर क्वेश्चन और भी करेंगे हम एक साथ। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारी शीट में ही बहुत आएंगे, बॉक्स ऑफ, और क्या कर देगा वो तीनों वेक्टर्स में ना ए बी सी का कुछ कॉम्बिनेशन दे देगा, और फिर बोलेगा कि दिस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बॉक्स ए बी सी, हमें लैम्डा निकालना होगा। ठीक है, तो एक बार इसको अच्छे से समझो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। छोटा सा चीज, ठीक है, अब आते हैं ए बॉक्स ए बी सी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और बॉक्स ए बी सी का मिनिमम वैल्यू क्या होगा और मैग्नीट्यूड ऑफ बॉक्स ए बी सी, ये तुम लिखो पहले एक बार, बॉक्स ए बी सी का मैक्सिमम और मैग्नीट्यूड ऑफ बॉक्स ए बी सी का मिनिमम, राइट ऑल दीज क्वांटिटीज, ट्राई करो उससे एक बार, और कब होगा वो भी मेंशन करना है कि वैन उन ए बी सी में क्या रिलेशन होगा, तो मैं लिखवा देता हूँ। मैंने कहा बॉक्स ए बी सी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो ए बी सी होता क्या है, बॉक्स ए बी सी, ए बी सी साइन बीटा कॉस अल्फा, मैंने लिखा मतलब इसको एक्सपेंड करके ऐसे लिख लिया, ए बी सी साइन बीटा कॉस अल्फा, ना इसका मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, अच्छा इसका मैक्सिमम चाहिए, इसका मतलब साइन बीटा भी 1 चाहिए और कॉस बीटा भी 1 चाहिए, ठीक
ठीक है, साइन बीटा भी मतलब ब्रैकेट मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, दिस इज सिंपल मतलब ऐसे ब्रैकेट में लिखा है मैंने, ठीक है। हाँ, तो साइन बीटा वन कब होगा, व्हेन बीटा इज 90, तो मतलब और बीटा था क्या बी ओ सी के बीच में एंगल, तो मतलब बी ओ सी मेरे एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। कॉस अल्फा इज वन, तो कॉस अल्फा वन कब होगा, व्हेन अल्फा इज जीरो। अल्फा जीरो इसका मतलब क्या है कि अल्फा क्या था बेसिकली, ए का एन कैप के साथ डायरेक्शन, तो इसका मतलब जो ए है और एन कैप है वो सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब क्या है ए जो है बी ओ सी के परपेंडिकुलर है, इससे क्या कंक्लूजन निकला, बी ओ सी आपस में परपेंडिकुलर थे ही साइन बीटा के कारण, और अल्फा जीरो के कारण जो ए है वो भी बी ओ सी को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। लिख लो कब होगा वैन, एंड दिस इज इक्वल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज सिंपली ए बी सी, और कब होगा वैन ए कॉमा बी कॉमा सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अब क्या करना है तुम लोग एक बार खुद से इसको लिख लेना, ठीक है ना, इसका मैं बता देता हूँ, तुम लोगों को रिजल्ट लिखना है कब होगा माइनस ए बी सी एंड दिस इज अगेन ए बी सी एंड दिस इज जीरो, ऑफकोर्स मैग्नीट्यूड मिनिमम जीरो होगा, वो जो तीन कंडीशन थी ए बी सी क्या बोलते हैं हमारे नल वेक्टर हो जाए या फिर कोई भी दो कोलिनियर हो जाए या फिर ए बी सी आर को ये तो कर लिया, अब इसका रीजन अब से तुम लोग लिखना, ठीक है, नहीं आता तो यू कैन आस्क मी व्हाट्सएप पे। चलो अब हम मूव करते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन, थियरी में इतना ही, और अगर कुछ पॉइंट लगेगा मुझे बताना तो इन बिटवीन आई विल टेल यू, ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद सम क्वेश्चंस, लिखो चलो। इफ ए बी सी आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ, स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इफ ए बी सी तुम लोग लिख लो, इफ ए बी सी आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय b dot c cross a plus b dot c cross a divided by c dot a cross b plus c dot b cross a divided by a dot b cross c, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन निकालो, बहुत आसान है, जस्ट वो दो प्रॉपर्टी जो मैंने बताई थी शुरू में तुम लोगों को कि ए बी सी का साइक्लिक ऑर्डर अगर मेंटेन है तो बॉक्स ए बी सी सेम एज बॉक्स बी सी ए सेम एज बॉक्स सी ए बी, अगर एक का इंटरचेंज किया तो एक नेगेटिव आ जाएगा, तो वही लगाना है, तो मैंने बोला ए बी सी और बी सी ए ये तो सेम होता है, तो ये तो क्या हो गया मेरा वन, अच्छा बी सी ए सी ए बी अगेन साइक्लिक ऑर्डर इज सेम, तो इफ दिस इज दिस ये और ये दोनों बराबर होगा तो ये वन, तो वन प्लस वन। अब आते हैं इस पर, सी ए सी बी ए लिखा है, सी ए बी लिखा होता तो ए बी सी के बराबर होता, इसका मतलब ये और ये दूसरे का नेगेटिव है, तो हियर इट विल कम माइनस वन, तो व्हाट यू विल गेट आंसर प्लस वन, ठीक है ना, दिस इज वन दिस इज वन दिस इज माइनस वन, तो सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट जो शुरू की दो प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, ठीक है ना, उसके अंदर उस। चलो आगे बढ़ते हैं, कॉपी करते लेना, इफ द वेक्टर्स If the vectors 2i cap minus 3j cap, comma i cap plus j cap minus k cap and 3i cap minus k cap form the three concurrent edges of a parallel pipe, forms the three concurrent edges of a parallelepipede, of a parallelepipede, then find the volume of parallelepipede, then find the volume of parallelepipede, ठीक है ना, तो अगेन दे दिया कि these are three concurrent edges, तो हमें पता है volume किसको represent करता है, क्या होता है box ABC के बराबर, and we know this is nothing but A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो ए वन ए टू ए थ्री क्या होगा, टू माइनस थ्री जीरो, टू माइनस थ्री जीरो, इसके लिए वन वन माइनस वन, वन वन माइनस वन, एंड इसके लिए थ्री, फिर जे का कोएफिशिएंट जीरो, के का कोएफिशिएंट माइनस वन, सो यू हैव टू जस्ट इवैल्यूएट दिस, ठीक है ना, कर लेना इसको, सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, If box of A minus 3B
टू बी प्लस फाइव सी, थ्री सी माइनस टू ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बॉक्स ए बी सी, फाइंड लैम्डा। तो अगेन जैसे कि मैंने शॉर्ट ट्रिक में बताया था, एक तरीका तो क्या इसको तुम लोग वैसे आर डिटर्मिनेंट में ब्रेक करो, ठीक है ना, बहुत से डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएंगे बिकॉज वो या तो दो कोई उन उस बॉक्स के अंदर कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे मतलब कोलिनियर होंगे, तो कुछ बॉक्सेस बचेंगे रिजल्टेंट यू विल गेट। और शॉर्टकट से क्या बताया था मैंने कि हमें एक डिटर्मिनेंट लिखना है एबीसी के कोफिशिएंट वाला, तो 1 माइनस 3 0, फिर 0 2 5, फिर ए इज माइनस 2, बी का 0, सी का 3, दिस इनटू बॉक्स एबीसी। सो बेसिकली दिस इज माय लैम्डा, दिस इज माय लैम्डा, बहुत आसान है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कॉपी करते रहना। चलो प्रूव दैट बॉक्स ऑफ अल्फा बीटा गामा इनटू बॉक्स ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट अल्फा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो जेई एडवांस में बहुत बार आया हुआ है, वो भी मैं कराऊंगा। बी डॉट अल्फा, बी डॉट बीटा, बी डॉट गामा, सी डॉट अल्फा, सी डॉट बीटा, सी डॉट गामा। चलो करो। तो अब दिख रहा है एक तरफ बॉक्स दे रखा है, दूसरी तरफ डिटर्मिनेंट दिख रहा है, तो क्या समझ में आ रहा है, क्या फील आ रही है, कैसे करें? डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट क्या ये आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो प्रूफ, तो लेट मी ओपन इट। डिटर्मिनेंट तो मैंने मान लिया अल्फा, अल्फा इज सिंपली अल्फा वन आई कैप बीटा बीटा वन, सॉरी अल्फा इज अल्फा वन आई कैप, अल्फा टू जे कैप, अल्फा थ्री के कैप। तो बॉक्स ऑफ अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, दैट मतलब अल्फा को मैंने क्या लिया, अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस सॉरी अल्फा वन आई कैप प्लस अल्फा टू जे कैप प्लस अल्फा थ्री के कैप। और सिमिलरली बीटा को मैंने लिया बीटा वन आई कैप, बीटा टू जे कैप, बीटा थ्री के कैप, और गामा को गामा वन आई कैप, गामा टू जे कैप, गामा थ्री के कैप इनटू। अब ए बी सी को वही सेम, ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री। सो नाउ जस्ट मल्टीप्लाई, तो जब इसका फर्स्ट रो इसके फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई होगा, वी नो वी कैन डिटर्मिनेंट में हम रो 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 कॉलम या कॉलम कॉलम या कॉलम रो कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से मैं इन दोनों को रो रो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसका रो इसके रो से, तो अल्फा वन ए वन, अल्फा टू ए टू, अल्फा थ्री ए थ्री क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट डॉट प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड ए वन, सॉरी अल्फा एंड ए, तो जो हो जाएगा अल्फा डॉट ए या ए डॉट अल्फा वन एंड द सेम थिंग। सिमिलरली इसका फर्स्ट रो इसके सेकेंड रो से मल्टीप्लाई होगा, बी वन अल्फा, बी टू अल्फा टू, तो बाद में क्या इधर भी लिखोगे चलेगा, फिर लास्ट में तुम क्या करना वाली प्रॉपर्टी लगा देना कि रोज एंड कॉलम्स कैन बी इंटरचेंज, तो जो रो है वो तुम्हारे कॉलम बन जाएंगे, जो तुम्हारे कॉलम्स हैं वो रो बन जाएंगे। सिमिलरली अल्फा वन सी वन, अल्फा टू सी टू, अल्फा थ्री सी थ्री, दैट इज वॉट सी डॉट अल्फा। एंड अगेन अब मैं इधर लिख चुका हूँ तो मुझे इसी के नीचे लिखना पड़ेगा, अब मैं इधर नहीं लिख सकता, तो सी डॉट अल्फा। You can see, similarly now you will take this, again you will multiply with all the three rows, you will get this. Similarly if you multiply this with row third of this, you will get answer. Simply, question guess kya tha basically, product of two determinants. Yeah, but isko hum yaad rakhenge, yaad do, yaad rakhenge, rakhenge. Dekh lena kaise likhte hain, spelling mistake hogi, theek hai na, yaad rakhenge isko as a standard. स्टैंडर्ड रिजल्ट अगर इसको भी नहीं रखोगे, मान लिया चलो ठीक है इसको नहीं भी रखो, तो एक एक बार के लिए काम चल जाएगा, बट इसका जो स्पेशल केस है उसको हम रखेंगे और वो मैं लिखवा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, उसको प्रूफ दैट के फॉर्म में लिखवा रहा हूँ, देखना क्या है। प्रूफ दैट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने बोला मेमोराइज दिस रिजल्ट, मेमोराइज दिस रिजल्ट। क्या करना है, बॉक्स ए बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए डॉट बी ए डॉट सी, बी डॉट ए बी डॉट बी बी डॉट सी, सी डॉट ए सी डॉट बी सी डॉट सी। एंड अभी जो मैं इस साइड लिख रहा हूँ वो अभी के लिए प्रूफ नहीं करना है, बट लिखवा दे रहा हूँ बिकॉज याद रखना है, उसका प्रूफ हम वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के बाद देखेंगे, जब तीन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे। अभी के लिए लिख लो, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड याद रखना है तुम्हें। अब आते हैं इसके प्रूफ पे, एक मतलब अगर ये पता है तो एक ही लाइन का, एक ही लाइन का है, क्या है, क्या करना है, उधर अल्फा बीटा गामा को
अल्फा को ए डाल देते हैं, बीटा को बी और गामा को सी। सी है ए बी सी बॉक्स ए बी सी बॉक्स ए बी सी तो क्या है बॉक्स ए बी सी का स्क्वायर। अल्फा की जगह ए डाला ए डॉट अल्फा ए डॉट ए ए डॉट बीटा की जगह बी तो ए डॉट बी गामा की जगह सी ए डॉट सी बी डॉट ए बी डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए सी डॉट बी सी डॉट सी हैंस प्रूफ। तो जस्ट पुट दीस थिंग्स इन दिस तो जी जनरलाइज हो गया अगर इसको याद रख सकते हो तो दैट इज मोर एंड मोर वेल। और अगर नहीं तो कोई बात नहीं इसको तो कम से कम रखना ही है ये तो याद रखना है एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो बार क्वेश्चन आ चुका है इसके बेसिस पे डिटरमिनेंट ऑफ बॉक्स एबीसी का स्क्वायर इज दिस थिंग ठीक है तो याद रखना है। तो एक दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूँ मैं और फिर अपन कल कंटिन्यू करेंगे तो इसको मैं रब कर रहा हूँ कॉपी कर लेना। Prove that box ABC into P cross Q vector is equal to P dot A Q dot A A P dot B Q dot B B P dot C Q dot C and vector C. You have to prove this first. Second is find lambda if vector A is equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap, vector B is equal to 3i cap plus 4j cap plus 7k cap and vector C is equal to lambda I cap plus j cap plus 2 lambda k cap are coplanar. Find lambda if these three are coplanar. अगर coplanar है तो क्या होगा वी विल सी से इन तीनों वेक्टर से बनने इन तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट इज जीरो ठीक है ना। यू हैव टू जस्ट उस डिटरमिनेंट के अंदर वो कोफिशिएंट्स लिख के यू हैव टू जस्ट मेक इट जीरो एंड यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा ठीक है ना। इसी का एक और क्वेश्चन क्या बनता है जैसे ये तो तीन वैक्टर्स दे दिए और अब वो क्या देगा ना तीन चार पॉइंट्स भी दे सकता है तो उसका और लिख लो ए इज इक्वल टू पॉइंट दे दिए 1 2 3 पॉइंट बी इज 3 4 7 पॉइंट सी इज लैम्डा नहीं एक मिनट ये अलग ले लेता हूँ पॉइंट बी इज 2 4 6 पॉइंट सी इज 7 -3 8 एंड पॉइंट डी इज लैम्डा 1 5 दीज फोर पॉइंट्स आर कोप्लेनर पॉइंट्स आर कोप्लेनर ठीक है ना। ये चार पॉइंट्स हैं इन स्पेस एंड दीज फोर पॉइंट्स आर कोप्लेनर देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा ठीक है। तो इसमें क्या करोगे बेसिकली जैसे चार पॉइंट्स हैं ये एक ये हो गया ये हो गया ये हो गया तो इन चार चार पॉइंट से तीन वेक्टर्स मिल जाएंगे तो बस कोई भी एक को बेस बनाओ लेट्स से मैंने ए को बेस बनाया फिर क्या करो ए बी वेक्टर निकालो ए सी और ए डी बी माइनस ए सी माइनस ए डी माइनस ए यू गेट थ्री वेक्टर्स। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दीज इफ दीज फोर पॉइंट्स आर कोप्लेनर दैट मीन्स व्हाट वो जो तीन वेक्टर्स मिले ए बी ए सी एंड ए बी ए सी एंड ए डी दो थ्री वेक्टर्स विल बी कोप्लेनर तो अगेन उन तीनों का बॉक्स जीरो। तो अभी के लिए इतना काफी है और कुछ लेक्चर्स बाकी हैं एसटीपी में तो हम वो देखेंगे कल और फिर हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स ओके। तो थैंक यू।